हेलो दोस्तों, आज दीपक की बर्थडे पार्टी है और हम सब तैयार होकर निकल लिए। दीपक हेलो करो बेटा हेलो, और हम बस निकल दिए, नीचे उतरने लग गए, गाड़ी में बैठे और जल्दी से निकल दिए। रास्ते के आंधी तूफान गड्ढे सबको पार करते हुए हम, अरे कितनी देर लगेगी भाई। ये पहुंच गए हम सनी पाजी के ढाबे पे। इसी ट्रक से सनी पाजी सकीना को पाकिस्तान से लाए थे और उसके बाद यहाँ ऊपर लटका दिया है और ढाबे का नाम रखा है ढाबा कल्चर, ढाबा कल्चर। फिर हमने लिफ्ट में बैठे, लिफ्ट से हम पहुंचे और हमने जाके ऑर्डर दिया। ऑर्डर आने में देर थी तो इसलिए मैं अपनी रील बनाने लग गई, बनाते बनाते भी थक गई। फिर सोचा लव केक ही काट लें, लेकिन आप केक को देख के हंसना मत, ये सरप्राइज था, मुझे भी नहीं मालूम था, मेरे बेटे ने उसको ये करवाया था। पर इसको जो शब्द लिखा वो मैं ही अकेली बोलती हूँ। केक काटा, केक कटते से हैप्पी बर्थडे टू यू बोले, एक काटना केक उसको खिलाना चाहिए, वो जाके बेचारा सबको खिला रहा था और खुद उंगलियां चाट के रह गया। मैंने तो किसी से कोई बात नहीं की, सीधे कॉन्सेंट्रेट केक पे करा जब तक फिर खाना आ गया। और खाना तो भाई आप भी खा लो, खाना बहुत लजीज था। फिर हमने सोचा थोड़ी सी अपनी फोटो सेशन करा लिया जाए, बहुत अच्छा व्यू था वहाँ का। होटल वाले निकाले उससे पहले हम ही निकल गए और धर्मेंद्र पाजी को चुम्मी देते हुए अपने घर के लिए रवाना हुए। घर पहुँच गए, इतना जोर से थक गए थे कि बस अब तो क्या करना है। देखो दीपक बाबू की हालात, और मैं भी परेशान हो गई थी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर करें। बाय, गुड नाइट।